तो ये हेलो गाइस यार, सभी लोगों का स्वागत है माइनक्राफ्ट के एक और नई वीडियो के अंदर। आज की जो वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ कंसीडर करना कि आप लोग पूरी स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को जरूर से देखो। प्रोमिस है गाइस यार, वीडियो में मज़ा आने वाला है। साथ ही साथ एक खुशखबरी भी है, वो गाइस खुशखबरी ये है कि जो हमारे पास जो एक छोटा सा ड्रैगन था जिसका नाम था ड्रोन सर, काफ़ी महीनों से हम उससे नहीं मिले हैं। तो वो आपको पता ही है, वो लक्ष्य का ड्रैगन था, लक्ष्य ने हमारे पास उसको भेज दिया है। फाइनली हम लोग अब उसके साथ मिलने वाले हैं। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम लोग ड्रोन सर से मिलने वाले हैं। अगर गाइस आप लोगों को ड्रोन सर याद नहीं होगा तो यहाँ पर आई बटन पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा और ड्रोन सर वाली वीडियो का, जाओ जाके उस वीडियो को देखो। तो गाइस सबसे पहले शाउट आउट जाता है इन सभी लोगों को, और आप लोग को भी अगर शाउट आउट चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में शाउट आउट लिख दो, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोग को शाउट आउट हो जाएगा। ओए मना तो जल्दी से नीचे चलते हो, जल्दी से ड्रोनजर के पास चलना पड़ेगा हमको। ओए हाँ गाइस यार, ड्रोनजर के पास तो हम लोग बाद में चलेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर हमारे पास ये इलाइटर वगैरह, हम लोग इनको डाल लेते हैं ना। ओए चल ठीक है, तू जल्दी से इलाइटर को डाल लिए। ओए तो गाइस चलो फिर ये जल्दी से हम लोग ये नेदराइट का आर्मर भी डाल लेते हैं ताकि हमारी एक तरीके से प्रोटेक्शन भी हो जाए और हमें जो ड्रोनजर है वो भी देखकर हैरान हो जाए कि पिछली बार जब मैं तुमसे मिला था तो तुम तो इतने अमीर हो गए हो। ओए चल ठीक है, ये भी डाल लिए, नेदर के बूट भी डाल लिए, चेस्ट प्लेट भी डाल लिए, सब कुछ मैंने डाल लिया यार। ओए एक मिनट यार भैया, ये लाइटर भी हमने डाल ली है लेकिन यहाँ पे लाइटर तो डली नहीं। रुको मैं चेस्ट प्लेट को नीचे उतारता हूँ। ये रही गाइस लाइटर, अरे यार लाइटर हाथ में नहीं आ रही। ओए मन आराम से करेगा तभी तो यार आएगी। ओए चल ये आ गई लाइटर, अब इसको लेकर बाहर उड़ेंगे हम आसमान में ड्रोनजर की तरह। हाँ यार भैया बिल्कुल सही कह रहे हो। तो गाइस चलो हम लोग इस चेस्ट प्लेट को यहाँ पर डाल देते हैं, जिस चीज़ का हमारे पास काम नहीं है हम इसको भी यहाँ पर रख देते हैं। एक काम करते हैं भैया, हम लोग जो ये बो हम इसको अंदर रख देते हैं ना। ओए चल ठीक है, बो को इसको पकड़ा दे, चल जल्दी से बाहर यार, चल यार। ओए चलो गाइस बाहर चलते हैं, ड्रोन सर का वेट करते हैं कि ड्रोन सर आने में कितना टाइम लगेगा। और हाँ गाइस, हम लोग यहाँ पर इस घर के अंदर कितने दिनों बाद आए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि हम लोग कितने महीनों बाद इस घर के अंदर आए हैं। ये घर हमने बेंटन के बर्थडे पे उसको गिफ्ट करा था। ओए मना बिल्कुल बढ़िया, बेंटन का बर्थडे मनाया था हम लोगों ने। ओए हाँ गाइस यार, बेंटन के बर्थडे से याद आया, गाइस कल हमारे मतलब कि कल बोबो का ही बर्थडे है, हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे अपने इस चैनल के ऊपर। तो गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर देना, क्योंकि जब तक आप लोग ऑल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करोगे आप लोग को पता नहीं चलेगा कि हम लोग बोबो का बर्थडे को कब सेलिब्रेट कर देंगे। तो गाइस प्लीज़ जाओ सब्सक्राइब कर दो, कि जितने भी आप लोग देख रहे हो सब्सक्राइब ही नहीं करते, पता नहीं आप लोग को क्या हो जाता है। सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से याद से ऑन कर देना। ओए मना बिल्कुल यार, ये लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, पता नहीं हमें हमारी वीडियो इनको पसंद नहीं आती कि यार। ओए नहीं यार भैया, ऐसी बात तो नहीं है। अगर गाइज आप लोग सब्सक्राइब नहीं हो इस चैनल से तो सब्सक्राइब जरूर से करो। हम लोग आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग ये ट्रिक क्यों कर रहे हैं, ये ट्रिक हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी ड्रोनजर को आने में काफ़ी ज़्यादा गाइज यार टाइम बचा हुआ है। ओए मना फिर तो ड्रोनजर को आने में टाइम लग जाएगा, हम लोग लक्ष्य के पास फ़ोन लगाते और उसी से पूछते कि ड्रोनजर कहाँ पर रह गए यार। ओए चलो हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर, इस बटन को दबाते हैं, लक्ष्य से पूछते हैं, लक्ष्य यार कहाँ पर रह गया ड्रोन सर, हम लोग इतनी देर से उसका इंतजार कर रहे हैं, कितनी देर में ड्रोन सर को भेजेगा। अरे रुको मैं ना भूल गया था ड्रोन सर को यहाँ पर भेजना, एक मिनट रुको। हाँ मैंने भेज दिया उसको ड्रोन सर को। और एक काम करो, तुम वहाँ पे जो विलेज नहीं आता तुम्हारे घर के सामने, वहाँ जो वो विलेज होता है वहाँ पर जाओ, वहाँ पर मतलब उसी के रास्ते में मिल जाएगा तुम्हें। मैंने यहाँ से इसको टेलीपोर्ट कर दिया है, तुम वहाँ से जाके उसको रिसीव कर लो। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि पार्सल है वो कोई, लेकिन कोई नहीं, तुम वहाँ पर जाओ और मतलब याद रखना कि उसको तुम मारोगे नहीं बिल्कुल भी, और थोड़ा बहुत उसको खाना भी खिलाना याद से, खाना तुम अपने पास तैयार भी रखना, मेरे को नहीं पता, बस वो सही सलामत मेरे पास वापस आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो गाइस जैसे कि लक्ष्य ने कही थी खाना तैयार रखना, खाना हम लोग तैयार रखते हैं। यार यहाँ पर तो रात ही होगी। ओए मना फिर तो नीचे चल के सोते हैं यार बेडरूम में। ओए ठीक है यार भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो, हम लोग चलते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पर जो हमारा बेड है हम लोग इसके ऊपर सोते हैं। बेड की गाइस यार कितनी अच्छी नींद आ रही है।
ओए मेरा बिल्कुल बढ़िया नींद आ रही है, चल जल्दी से चलते हैं और ड्रोनसर के पास चलते हैं यार। ओए रुको यार भैया, गेट तो खोलने दो, इतनी ज़्यादा जल्दी किस चीज़ की मचा रहे हो। चलते गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि हमने ड्रोनसर को कहाँ पे, मतलब कि ड्रोनसर कहाँ पर है। ओए मेरा तो यहीं पर ही बता रहा था यार। ओए नहीं यार भैया, यहाँ पर नहीं है। लक्ष्य ने हमें बताया कि जो सामने के जो रास्ता है वहीं पर हम लोगों को ड्रोनसर मिलेगा, लेकिन ड्रोनसर तो यहाँ पे भैया है ही नहीं है। ओए मेरा रुक जा यार, फिर तो देखना पड़ेगा यार। अभी तो लक्ष्य कह रहा था कि ड्रोनसर यहीं पर है, लेकिन अभी तो यहाँ पर ड्रोनसर दिखाई भी नहीं दे रहे यार। ओए अरे यार भैया, ये क्या, यहाँ पे एक फेंस पड़ा है और यहाँ पे एक एनविल पड़ा है। ये रहा यार भैया, यहाँ पर ड्रोनसर तो भैया देखो तो, ये कितना अच्छा लग रहा है ड्रोनसर। ओए मेरा ड्रोनसर ही है ना ये। ओए रुको यार भैया, इसका नेम चेक करने दो। हाँ यार भैया, ये ड्रोनसर ही है। अब हम लोग देखो गाइस, हम लोग इसके ऊपर राइड तक कर सकते हैं। ओए मेरा काफी दिनों बाद ड्रोनसर जैसे मिल रहे हो, तो कैसा यार। ओए यार भैया, ये भी बिल्कुल बढ़िया है, कितना खुश लग रहा है गाइस हम लोगों से मिलने के बाद। ये देखो ना। ओए मेरा तो पानी में भी तैरने की कोशिश कर रहा है यार। ओए अरे यार भैया, पानी में तैरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग को इसको बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये पानी के अंदर ही मर जाएगा। ओए मेरा रुक जा यार, इसको पीछे से धक्का मारता हूँ। अब ऊपर आए कि यार ये। ओए यार भैया रुको, इसके ऊपर हम लोग को बैठना पड़ेगा, इसको इस तरीके से बाहर निकालते हैं। चलते गाइस। यार भैया ये फिर से पानी के अंदर ही गिर गया। ओए मेरा फिर तो इस साइड से इसको एक ही भारी में झटके से बाहर निकाल दे, ताकि वापस से नीचे ना आ पाए यार। ओए चलो गाइस, हम लोगों ने अपनी शील्ड बैठा रही है, ताकि देखो हम लोग अपनी जो राइड है वो उसको इंटरेस्टिंग बना सके। देखो गाइस कितना अच्छा ये उड़ता है। ओए मेरा सामने की तरफ विलेज में चलते, सारे विलेजर को चिढ़ाएंगे हम लोग यार। ओए हाँ यार भैया, ये देखो हम लोग ये कितना मस्त विलेज के अंदर आ गए हैं। ये देखो साथ ही साथ हमारे जो ड्रोनसर हैं कितनी अच्छे से उड़ता जा रहे हैं। ओए मेरा बिल्कुल बढ़िया मजे आ गई यार आज की तो। ओए हाँ यार भैया, काफ़ी दिनों से हम लोग ड्रोनसर से नहीं मिले थे। गाइस अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और आपने लाइक नहीं मारा हो, तो ड्रोनसर के लिए एक लाइक तो बनता ही है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ओए मना इतने वीडियो बनाएगा क्या। ओए नहीं यार भैया, इतनी वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, एक काम करते हैं इसको हम लोग थोड़ा खाना खिलाते हैं। यार भैया आपने इसको मारा क्यों। ओए मैं थोड़ा गलती से लग गया था, मेरा थोड़ा हाथ लग गया था, कंट्रोल में भूल गया था, माफ़ कर, जिसको खाना भी मैंने खिला दिया यार। ओए चलो यार भैया कोई नहीं, हमने इसको गलती से मार दिया है, इसको छोड़ते हैं। हम लोग अपनी लाइटर का यूज़ करते हैं, लाइटर के साथ हम लोग उड़ेंगे और ये ड्रोनसर भी हमारे साथ उड़ता जाएगा। ओए मना तूने फिर से काम खराब कर दिया, ड्रोनसर को वापस से पानी में भेज दी यार तूने। ओए अरे यार भैया सॉरी, मैं क्या करूँ, मेरे पास फायरवर्क ही नहीं है। फायरवर्क होते तो हम लोग ये ड्रोनसर के साथ रेस लगा सकते कि कौन जीतेगा इसमें से और इसमें से। ओए मना वो सब बातें बाद में करेंगे, चल जल्दी से अपने घर के अंदर चलते, इसको थोड़ा बहुत घर के नज़ारे भी दिखाते हैं। ओए चलो यार भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो, घर के अंदर चलते हैं। घर के अंदर भी काफ़ी दिनों से हम इसको लेकर नहीं गए हैं, घर के पीछे वाले जो माउंटेन है हम लोग इसको वहाँ पर फ्लाई कराएंगे, ताकि इसको पुरानी यादें वापस आ जाएगी। ओए मेरा बिल्कुल यार, देख तो कितना बढ़िया ये ड्रोन जरूर था यार। ओए मजे ही आ गए, ओए तोड़ने फोड़ने वाले मजे आ गए। ओए चलो गाइस यहाँ पर लैंडिंग करते हैं, यहाँ से हम लोग इसको उतर के देखते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। ओए मुना अब एकदम बढ़िया मजा आ रहा है, देख तो कैसे हमको उड़ा के ऊपर लेकर जा रही यार ये। ओए हाँ गाइस, ये देखो तो कितना मस्त लग रहा है ना हमारा ड्रोनसर। हम मतलब कि कोई भी अगर फाइट होगी हम लोग ड्रोनसर का यूज़ कर सकते हैं कोई भी एनिमी को हराने के लिए। हम लोग आपको एग्जांपल दिखाते हैं, एक बार यहाँ पे हमें कोई भी मॉस को मिलने दो, मतलब कि जैसे कि अगर कोई शीप वगैरह मिलती है तो ये शीप के ऊपर अटैक करता है। ओए मैंने सच्ची में अटैक कर सकी यार। ओए अरे यार भैया आप भूल गए क्या, पिछली बार भी तो इसने अटैक करा था ना। ओए चल ठीक है, टेस्ट करके देखते हैं। ओए तो गाइस हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अगर कोई हमें एनिमल वगैरह दिखता है हम लोग उसके ऊपर अपने जो ड्रोन्स है उसकी पावर्स को चेक करते हैं ना। ओए मना लेकिन कोई भी नहीं मिल रही यहाँ पर तुमको। ओए हाँ यार भैया रुको तो देखने दो, यहाँ पर नीचे शिप अगर स्पॉन हुए तो हमें मजा आ जाए। शिप का नाम लिए यार भैया, शिप स्पॉन हो गई है। ओए मना इसको तलवार मारते, देखते कि ड्रोन्सर इनको मारेगा या फिर नहीं। ओए अरे यार भैया मैं सोच रहा था कि इसको मेलन सीड खिलाऊं, लेकिन मेलन सीड तो ये खाता ही नहीं है। चलो यार भैया जल्दी से शिप को मारते हैं ताकि पता चल जाए। अरे यार ये क्या भैया, इस शिप को तो मतलब मरी गया हमारी नेदराइट की सोर से। ओए मना ये आप डैमेज क्यों नहीं कर रहे यार इसके ऊपर यार। ओए
पता नहीं यार भैया मैं इसके ऊपर डैमेज कर रहा हूँ शिप के ऊपर, लेकिन फिर भी हमारा ड्रोन जरा अटैक ही नहीं कर रहा है। और मुझे लगता है कि ड्रोन जरा अटैक भूल गया होगा, इस पिगी के ऊपर मार के देखते हैं। ओए ठीक है गाइस, हम लोग इस पिगी के ऊपर मार के देखते हैं। यार भैया भैया ड्रोन सर कुछ नहीं कर रहा है। नहीं यार भैया ड्रोन सर इसके ऊपर कोई फायर बॉल फेंक रहा है, और भैया देखो तो इसको कितना ज़्यादा डैमेज हो गया। ओए मैंने इसी बात पे थोड़े से इसको खाना खिलाते हैं, ये पे बिठा देते हैं हम इसको। ओए यार भैया बिठाने के लिए लाए हैं तो मतलब इसको यूज़ भी तो करेंगे ना। इसको गाइस यूज़ करने वाले हम लोग फ्यूचर के लिए। आपको एक प्रॉब्लम आ चुकी है हमारे साथ फिर से, वो प्रॉब्लम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पता चलेगी। उसके लिए आप लोग को हमारे चैनल को गाइस यार सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करना पड़ेगा। ओए मैंने वो बात इनको बाद में बताइए, पहले ड्रोनजर को तो यहाँ पर ले आके बिठा दे यार अच्छे से। ओए हाँ यार भैया मैं भूल ही गया था ड्रोनजर को यहाँ पर ला के बिठाने की। एक काम करो ड्रोनजर, यहाँ पर तुम आ जाओ एक जगह पे, यहाँ पर अच्छे से बैठ जाओ, हम लोग मतलब कि वीडियो के एंडिंग करते हैं। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक मार के ज़रूर से जा सकते हो, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर से करो, क्योंकि हम लोग कल सेलिब्रेट करने वाले हैं बोबोय का बर्थडे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर सभी को, बाय बाय, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो।